रुपए के विकास कार्यों के टेंडर नष्ट होने के बाद इस मामले में अब सियासत होने लगी है। बीजेपी पार्षद जहां सरकार पर अनदेखी का करने का जो आरोप लगा रहे हैं, वहीं कांग्रेसी पार्षद नगरपालिका अधिकारियों पर इसका ठीकरा फोड़ रहे हैं। कई पार्षदों ने तो ये भी आरोप लगाया है कि पहले से हो चुके कार्यों को पुनः स्वीकृति दे दी गई है। वहीं सीएमओ का कहना है कि 14 करोड़ के टेंडर नष्ट हुए थे, जिसमें से 9 करोड़ के कार्य पुनः पर्षद को मिल गए हैं, जबकि 5 करोड़ के कार्य शासन ने नष्ट कर दिए हैं। यहाँ नगर पालिका क्षेत्र के लोगों को काफी दिक्कतें हुई, कई जगह बाढ़ की समस्या हुई, कई जगह कीचड़ की समस्या हुई। आज नगर पालिका क्षेत्र में कई जगह विद्युत सुविधाएं नहीं है। अभी हमारे यहाँ किसी भी प्रकार का कार्य निरस्त नहीं हुआ है। शासन में आने के बाद सबसे पहले तो 1 करोड़ का जो काम आया है, जिसको पूरा 1 से 22 वार्ड में काम का यानी बांटा गया है और उनका यानी वो भी हुआ है। अब तक तो सारे जो है सड़कें नालियाँ जो है बन जा रहा था, अगर कहीं विकास कार्य चालू हो जा रहा था, टेंडर वेंडर हो जा रहा था, तो ये अधिकारी की घोर लापरवाही के चलते जो है विकास कार्य नहीं। अनूपपुर में डॉक्टर मुकेश शर्मा के द्वारा